हेलो मोहित कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वे टू मेक इट इज़ इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों uh, एक न्यूज uh, भी बच्चों आप लोगों के लिए आईटीआई का जो एग्जाम है बच्चों अगर आपने साइट में अपडेट देखा होगा अगर आपने साइट में अपडेट देखा होगा तो बच्चों छह तारीख से जो है आपके पेपर शुरू होने वाले बच्चों आईटीआई के जो एग्जाम है डीआरडीओ का जो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है बच्चों वो आपका छ जनवरी से जो है शुरू होने वाला है अभी डाउनलोडेबल नोटिफिकेशन नहीं आया है बच्चों वहां पर लेकिन आपका जो है आ, लिंक वहां पर जो है आपका अपडेट आ चुका है साइट में अगर आप देखोगे बच्चों तो आपका अपडेट आ गया है गुड इवनिंग सर एग्जाम डेट आ गई है बिल्कुल मोहित फुरमार एग्जाम डेट आ, आ गई बच्चों छह जनवरी से और एक आध दिन में बच्चों एक में मैं ये बोलूं कि आपका आज शाम को या फिर कल से बच्चों कल कभी किसी भी समय बच्चों आपके जो है एडमिट कार्ड का जो है वो लिंक जनरेट हो सकता है लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा सकता है सेप्टम डी आर डी ओ क्लियर हो गया बच्चों तो आप लोग बच्चों तैयार हो जाइए अलंकार विश्वकर्मा राम राम जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए जल्दी से लाइव आ जाइए एक मिनट हेलो हेलो कुछ क्वेश्चंस लेके आए बच्चों कुछ लोग उज्जवल कह रहे हैं फॉर्जिंग टॉपिक करा देंगे बच्चों फॉर्जिंग टॉपिक करा देंगे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अभी मिल जाएंगे अभी फॉर्जिंग से रिलेटेड बच्चों कोई कुछ से आपको मिल जाएंगे अब सेटिंग ड्रॉइंग स्वेजिंग फुल रिंग क्या होता है बच्चों इनमें क्या होता है ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आज इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे क्लियर हो गया बच्चों शुरू करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं बच्चों शुरू करते हैं सभी लोग बच्चों अब जो है लग जाइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है बच्चों तो कोल्ड चीजल कोल्ड चीजल अगर चीजल की बात करें बच्चों चीजल की मैं बात करूं चीजल की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों दो टाइप की आपकी होती है एक होती है आपकी कोल्ड चीजल और एक होती बच्चों आपकी हॉट चीजल क्या होती है हॉट हॉट चीजल अगर आपका इंक्लूडेड एंगल अगर पॉइंट का अगर मैं बोलूं बच्चों आपका जो आपके आगे जो होता है कोल्ड चीजल का कुछ और होता है हॉट चीजल चीजल का का कुछ और होता है कोल्ड कितना होता है आपका थोड़ा अगर मैं बात करूं तो ज्यादा आपका होता है सात डिग्री अगर हॉट चीजल की बात करूं तो आपका आ, कम होता है तीस डिग्री के आसपास उसका होता है कोल्ड चीजल कहां पर यूज किया जाता है बच्चों आपके कोल्ड वर्किंग के लिए कोल्ड वर्किंग की जिन वर्क पीस को जिन वर्क पीस पर आ, आप जो है बिना गर्म करे उस पर काम करते हैं तो वहां पर आप कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं और चीजें कहां पर यूज करते हैं बच्चों वहां पर काम करते हैं जहां पर आपको काम करने से पहले जिस वर्कपीस पे आपको काम करना है उसको पहले आप क्या करते हैं हीट करते हैं आपको हीट करते हैं और उसके बाद उसको आप क्या करते हैं आ, आ, उस पर काम करते हैं तो कोल्ड सीजर आर्ट मेड बाय लोग ऑप्शन देने लगे बच्चों 14 दिन में कैसे तैयारी करें सर बेटा कौन रनिंग कह रहे हैं चौदह दिन में तैयारी कैसे करें बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था ये हमको क्योंकि हमें जेई का जो आपका एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन आया था वो कम से कम बारह तेरह दिन पहले आ गया था तो वही आपके साथ भी होने वाला था तो आप ये नहीं कह सकते बच्चों की आपको टाइम नहीं मिला टाइम जो है आपको मिला है देख, हमको लग ही रहा था बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका कभी भी एग्जाम जो है हो सकता है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट वीक जनवरी फर्स्ट वीक में बच्चों आपका एग्जाम हो रहा है और दिसंबर लास्ट में बच्चों आपका जो है एडमिट कार्ड जो है हो जाएगा ठीक है बच्चों सर ड्रॉइंग का क्वेश्चन आ, करा दो हाँ बच्चों ड्राइंग का क्वेश्चन में कराऊंगा कुछ कुछ ड्राइंग के क्वेश्चन से एक दिन क्लास लूंगा मैं ड्राइंग की ठीक है तो बच्चों इसमें यहाँ पर आ जाए मैक्सिमम लोग जो है मैक्सिमम लोग जो है राइट आंसर दे रहे हैं बच्चों क्या है आपका कोल्ड चीजर जो है और सामान्य इस तरह की सामान्य इस तरह की बात करें तो कोल्ड चीजर जो है हम किससे फॉर्जिंग से बनाएंगे अगर सामान्य सामान्यता की अगर हम बात करें क्लियर हो गया तो दूसरा क्वेश्चन आते हैं बच्चों द कोल्ड चीजर आर मेड फ्रॉम कोल्ड चीजर किससे बनाए जाते हैं कास्ट आयरन तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं बनाए जाएंगे ब्रिटल होता है बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है माइल से, से भी नहीं बनाते बच्चों हाई स्पीड स्टील से तो हम क्या करते हैं कटिंग टूल बनाते हैं

नॉन टेक वाले पोर्शंस में आप बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है

कहीं भी ज्वाइन कीजिए बच्चों लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि बच्चों की, की वही क्वेश्चन आएंगे टेस्ट सीरीज का मतलब होता है एक आपका एक आपका क्या हो जाएगा बच्चों एक प्रैक्टिस हो जाएगी एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आप टाइम मैनेजमेंट आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे मैंने जो टाइम को है मैनेज करना है तो आप कम से कम आठ दस जब आप टेस्ट पेपर दोगे टेस्ट सीरीज के टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेट और अगर आप दोगे तो वहां से बच्चों आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे आपको एग्जाम में बच्चों आपको पेपर देना है तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कैसी भी किसी की भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों कहीं से भी आप जो है टेस्ट सीरीज जो है आप जो है ज्वाइन जरूर करें क्योंकि टेस्ट सीरीज से बच्चों आपकी प्रैक्टिस होती है टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता लगता है तो जरूर ज्वाइन करें हमने हमारी बच्चों फिटर की टेस्ट सीरीज भी है लॉन्च हो चुकी है वेल्डर की भी लॉन्च हो चुकी है अगर चाहो तो आप बेनिफिट उठा सकते हो क्लियर हो गया आगे अगर हम बढ़े बच्चों आगे अगर हम बढ़े आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजल इज यूजुअली क्रॉस सेक्शन चीजल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा गया है पहले भी बहुत बार पूछा गया है बहुत बार पूछा गया बच्चों मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं बच्चों कि क्रॉस चीजल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हेक्सागोनल भी होता है हेक्सागोनल भी होता है और ऑक्टागोनल भी होता है ऑक्टागोनल भी होता है लेकिन बच्चों जहां पर जहां पर ऑप्शन दोनों के दोनों ही ऑप्शंस है वहां पर बच्चों क्या होगा आपका वहां सर हमें लेना है ऑक्टागोनल क्या लेंगे ऑक्टागोनल जहां पर दोनों ऑप्शन जो होंगे बच्चों जहां पर दोनों ऑप्शन दिए होंगे जहां पर ऑक्टागोनल भी होगा हेक्सागोनल भी होगा वहां पर जो हमें चूज करना बच्चों क्या करना है ऑक्टागोनल चूज करना है तो राइट right आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर ऑक्टागोनल जो है मेरा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया आगे बढ़े बच्चों डायमंड जो है किसके लिए कटिंग यूज होता है बच्चों डायमंड पॉइंट पॉइंटेड कटिंग टूल किसके लिए यूज होता है मोहित परमार मोहित तोमर माही कह रहे हैं डी मोहित माही कह रहे हैं डी बी सेफ ग्रुप्स के लिए कह रहे हैं बी सेफ्ड ग्रुप मुझे पता नहीं कि पहले वाला आंसर का कह रहे हैं मेरे को लग रहा है पहले वाले का कह रहे हैं लेकिन मैं अगर चौथे की बात करूं बच्चों चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पर द डायमंड पॉइंटेड सीजल डायमंड पॉइंटेड सीजल कहाँ यूज होता है बच्चों फ्लैट सरफेस ग्रुप की वे वी सेव्ड ग्रुप या ऑल ऑफ द अबव तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों हम वेल्डर का टेस्ट सीरीज में आठ टेस्ट सब रिलीज हो गया क्या बच्चों पांच पांच टेस्ट जो है उसमें रिलीज हो चुके हैं ठीक एक कल हो जाएगा दो तो ये लगा लो मंडे तक आपके आठ के आठ हो जाएंगे आप में बैठते हो उसी ईमानदारी से जो है ऐसा मत कीजिए कि दस क्वेश्चन यहाँ पर करें उसको पॉज किया और मैं बाद में दूंगा ऐसा बिल्कुल मत कीजिए बच्चों अगर आप टेस्ट दे रहे हो अगर आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो टेस्ट सीरीज में तो बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों एग्जाम दीजिए जिस तरीके आपको ड्रॉइंग वाला पोर्स भी एड कर सकता है ड्रॉइंग वाला पोर्सन भी ड्रॉइंग के कुछ क्वेश्चन जो है उसमें कुछ क्वेश्चन के क्वेश्चन आपको मिलेगा वो किस किस चीज का मिलेगा इंग्लिश आपका उसमें हो सकता है उसमें आपका क्वान्टिटेटिव क्वांट uh, uh, आपकी हो सकती है उसमें रीजनिंग हो सकती है इसके लिए आप बच्चों एक बहुत बड़ा पोर्सन जिसको हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं इसमें बच्चों कहीं से भी एग्जाम पूछ सकता है जब में बच्चों मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप करंट अफेयर थोड़ा पढ़ना शुरू करें करंट अफेयर बच्चों पिछले छह महीने का करंट अफेयर थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू करें ठीक तो करंट अफेयर जरूर पढ़े बच्चों करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बनेंगे

बच्चों डिस्काउंट की फिर बात कर दी तुमने वन फिफ्टी रूपीज में बच्चों टेस्ट सीरीज है अब इसमें क्या डिस्काउंट करें बताओ यार है आपका पेपर निकल जाए वही बहुत है आप बच्चों आ, जो मेरी एमसीक्यू सीरीज है अगर आप उसको भी ईमानदारी से कर रहे हो जो मैंने सीरीज चलाई है यूट्यूब में एमसीक्यू की जो सीरीज चलाई उसको भी बच्चों ईमानदारी से करोगे क्योंकि एक क्वेश्चन पर करते हैं तो उसके साथ कभी कभी दो दो तीन दिन क्वेश्चन जो है हमारे क्लियर हो जाते हैं अगर वो भी आपने ईमानदारी से कर रहे हो, बच्चों तो कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है और खासकर वेल्डर वालों को क्योंकि वेल्डर वाला जो पोर्सन मैंने यूट्यूब में काफी कराया बच्चों और फिटर का जो है मैं तो हमारा डेडिकेटेड कोर्स चल रहा है पांचवे का बी कह रहे हैं बास्टर्ड फाइल और बच्चों जल्दी से और कोई बच्चों और बताइए जल्दी से जल्दी से बच्चों क्वेश्चन बताइए जल्दी से बच्चों आंसर बताइए जल्दी से जल्दी से छह तारीख को छह तारीख से बच्चों आपके एग्जाम हो जाएंगे एक अपडेट आ चुका है साइट पे डाउनलोडे नोटिफिकेशन नहीं है एक अपडेट आ चुका है कि आपका छह तारीख से बच्चों क्या छह तारीख से जो है आपके एग्जाम होंगे और कल या परसों से दिसंबर लास्ट वीक मैंने पहले ही कहा था बच्चों आपका दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी फर्स्ट में दिसंबर लास्ट वीक में बच्चों आपका जो है एडमिट कार्ड जो रिलीज हो चुके हो जाएंगे और आपका जनवरी फर्स्ट वीक से बच्चों आपका एग्जाम जो है है, आप बिल्कुल तैयार हो जाए मोहित परमार कह रहे हैं ए रफ फाइल क्या होगा बच्चों रफ फाइल क्या होता है आपका बीस तत् पर आ, पच्चीस एम एम में अगर मैं एक इंच में बीस टीथ है आपके तो उसको हम रफ जैसे जैसे टीथ बढ़ते जाएंगे बच्चों आपकी आपकी जो फाइल फाइल है वो वो फाइन बनती 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 जाएगी आपकी फाइल बनती जाएगी जाएगी क्या क्लियर हो जाएगा टीथ जैसे बढ़ेंगे पर इंच नंबर ऑफ टीथ जैसे, जैसे जैसे बढ़ते हैं बच्चों आपकी जो फाइल है वो क्या होती जाती है स्मूथ फाइल होती जाती है आगे हम बढ़ते हैं वेन द फाइल इज मूव टू एंड फ्रो बच्चों ये टू एंड फ्रो है टू एंड टू एंड फ्रो मतलब आगे एंड आगे एवं पीछे आगे पीछे आगे पीछे सीधे सीधे आगे पीछे अगर करते हैं सीधे सीधे आगे पीछे करते हैं मतलब बच्चों क्या है आपकी सपोज ये आपका जॉब है और ये आपकी फाइल है ये आपकी फाइल है ये क्या है ये आपकी ये फाइल है इसको सीधे सीधे आप आगे पीछे अगर करते हैं टू एंड फ्रो इसको कहते हैं बच्चों टू एंड टू एंड फ्रो आगे पीछे तो इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है बच्चों क्या कहा जाता है क्या जाता है बी ये कह रहे हैं बच्चों ड्रॉ फाइलिंग इसे क्या कह रहे हैं बच्चों ड्रॉ फाइलिंग बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों क्या है इसको ड्रॉ फाइलिंग कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको ड्रॉफ फाइलिंग कहते हैं बिल्कुल सही राइट आंसर बच्चों आगे हम बढ़े वेन फाइलिंग सॉफ्ट मेटल जब हमें सॉफ्ट धातुओं की फाइलिंग करनी होती है तो फाइल हमें बच्चों जब हम सॉफ्ट धातुओं की बहुत जो नरम धातुएं होती हैं उनकी फाइलिंग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है उसकी जो बर्स होती है वो बर्स जो है बहुत ज्यादा रिमूव होती है और वो बर्स जो है बहुत बारीक जो कर्ण होते हैं वो फाइल के दांतों के बीच में चिपक जाते हैं ठीक तो पूछ रहा है कि उसको कैसे क्लीन किया जाए उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं बच्चों तो कैसे क्लीन कर सकते हैं वॉशिंग इट विद वाटर साफ वाटर तो हम यूज नहीं करेंगे रबिंग ऑन वुड नहीं वॉशिंग इट विद मेटल ड्यूरिंग नहीं गुरुजी क्या यूज करते हैं बच्चों जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों जल्दी से राइट आंसर बताइए जल्दी से राइट आंसर बताइए ये बोल हैं बच्चों नरम नरम धातुओं धातुओं को को हम फाइल करते आंसर आने लग गए हैं राइट आंसर आने लग गए बच्चों क्या आंसर हो जाएगा आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या हम फाइल कार्ड यहां पर यूज करते हैं बच्चों क्या यूज करते हैं फाइल कार्ड आगे बढ़ते हैं और फाइल रिमूव मेटल ड्यूरिंग फाइल रिमूव मेटल मतलब कटिंग किसके में करता है कटिंग हम बच्चों जो अगर हम फाइल पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि जो प्रेशर है फाइल में वो जब आगे की तरफ हम आगे की तरफ हम फाइल ले जाएं तभी हम प्रेशर लगाएं क्योंकि बच्चों कटिंग स्ट्रोक जो होता है वो कौन सा होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक कौन सा होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक तो बच्चों हमको पता है कि किस स्ट्रोक में जो है कटिंग होगी रंजी राज कर रहे हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक और बच्चों जल्दी से बताइए बाकी लोग जल्दी से बताइए जल्दी से जल्दी से आंसर दीजिए जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बिल्कुल सही बलवीर मोहित बच्चों फॉरवर्ड स्ट्रॉक में जो है आपका आ, होगा बच्चों अगर मैं कहूं हैंड टूल वाला पोर्शन जो है बच्चों आपका हैंड टूल वाला जो पोर्सन है वो वेल्डर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं ले कट ऑन हेक्सा ब्लेड कैसे कट करता है बच्चों किस स्ट्रोक में कट कटिंग करती है कौन से स्ट्रोक में करते हैं आगे की तरफ कटिंग करते हैं या पीछे की तरफ करते हैं सेम वही चीज बच्चों हेक्सा ब्लेड में भी कहा जाता है बच्चों कि जब हम प्रेशर दें तो क्यों आगे की तरफ प्रेशर दें जब हम पीछे की तरफ आए तो उसको लूज छोड़ दें प्रेशर हटा दें कटिंग करने के दौरान क्लियर हो गया तो मतलब बच्चों जल्दी से बताइए राम 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 बिल्कुल बलबीर राम राम सर राम राम मोहित परमार मोहित परमार कह रहे हैं बच्चों ए कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है सर

दांतों को थोड़ा मोड़ के एक तरफ दांतों को एक समान नहीं रखा जाता है आगे पीछे उसको मोड़ा जाता है आगे पीछे मोड़ा जाता है। क्यों बच्चों बचाइए राइट आंसर क्या है एग्जा ब्लेड में दांत जो होते हैं मुड़े होते हैं अगर आपने देखा होगा कैसे मुड़े होते हैं ऑप्शन आंसर आ रहे हैं बच्चों आंसर आ रहे हैं अल्टरनेटिवली टुवर्ड राइट एंड लेफ्ट है एवरी थर्ड ऑफ़ फोर्थ लेफ्ट है बच्चों अगर तीट की अगर मैं सेटिंग बोलूं तो दो सेटिंग होती है एक होती है स्टेगर्ड और एक होती है वेवी एक होती है स्टेगर्ड और वेवी क्लियर हो गया एक और भी ये। मैं पहले भी चुका हूं दो सेटिंग होती है आपकी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बच्चों? सी जो है आपका सही आंसर यहां पर आ रहा है क्या होता है अल्टरनेटिव टूआर राइट एंड लेफ्ट एंड एवरी थर्ड और फोर्थ लेफ्ट स्ट्रेट क्लियर हो गया बच्चों तो सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट right. मतलब सेटिंग ऑफ एक्स ऑफ्लेट से ये क्वेश्चन है सेटिंग ऑफ एक्स ऑफ्लेट से आगे हम बढ़ते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हमें करने हैं बच्चों तो स्पीड भी बच्चों सही ठीक रखना आप ब्लेड के जो ब्लेड होते हैं वो कैसे किए जाते हैं बच्चों कैसे किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं इनमें से इन ऑप्शन में से तो जो किससे किए जाते हैं जल्दी से जल्दी सोचो राइट आंसर दीजिए एक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय कैसे स्पेसिफाइड किए जाते हैं अरित अमीन कह रहे हैं ए और बच्चों जो और बताइए और गौरव सिंह कह रहे हैं ए और बच्चों और बताइए सही है बिल्कुल बिल्कुल बच्चों कैसे किए जाते हैं लंबाई से वे निर्दिष्ट किए जाते हैं हेक्सो ब्लेड Hexoblade जो है किसे की जाते हैं बच्चों लंबाई से और लंबाई जो होती है दो होल के बीच में बच्चों दो होल पिन होल जो आपके होते हैं उन दोनों के बीच से जो है आपकी हेक्सो ब्लेड की लंबाई ली जाती है क्लियर हो गया बच्चों आगे अगर हम बढ़े टू प्रिवेंट द बॉडी ऑफ द ब्लेड फ्रॉम जैमिंग इन द कट द टीथ ऑफ ब्लेड आर बोल रहा बच्चों आपके आपका जो ब्लेड है ब्लेड है वो जाम ना हो जाए कार्य करने के दौरान जो है वो जाम ना हो जाए एक जगह उसके लिए क्या किया जाता है उसके लिए क्या किया जाता है बच्चों उसके लिए क्या किया जाता है जाम ना हो जाम टीथ जो है आपके वर्कफीस पर जब हम चलाते हैं तो उसके अंदर फंसे ना आपका जो है वो वर्क पीस के अंदर ना फंसे। उसके लिए हम क्या जाते हैं बच्चों उसी के लिए हम क्या करते हैं हम टीथ की सेटिंग करते हैं क्या करते हैं बच्चों टीथ की सेटिंग करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों स्ट्रेंथन, सार्पन, सेट या ऑल ऑफ जाम ना हो जैमिंग ना हो टू प्रिवेंट क्या है टू प्रिवेंट बॉडी ऑफ द ब्लेड फ्रॉम jamming, जाम Jam होने से बचाने के लिए Jam होने से बचाने के लिए क्या किया जाता बच्चों टीथ की सेटिंग की जाती है टीथ टीथ सेटिंग की जाती है और टीथ सेटिंग क्या होती है बच्चों Staggered और वेवी स्टेगर्ड और वेवी सामान्यतः हम सबसे ज्यादा जो है वो यूज की जाती है तो बच्चों राइट right आंसर क्या हो जाएगा सही आमीन कह रहे हैं सी बिल्कुल बलबीर कह रहे हैं सेट क्या कहते हैं? सेट क्या क्या कहते कहते हैं हैं टीथ की सेटिंग की जाती है बिल्कुल राइट आंसर बच्चों टाइप ऑफ फाइल यूज फॉर वर्क लकड़ी के पर कार्य करने के लिए हम इनमें से कौन सी फाइल यूज करते हैं कौन सी फाइल यूज करते हैं बच्चों कभी कभी पूछा जाता है कि आपका क्रॉस सेक्शन जो होता है रास्प कट फाइल का वो कैसा होता है बच्चों तो वहां पर अभी कभी-कभी ऑप्शन कभी जो है आप राउंड भी दे देता है अगर हाफ राउंड वहां पर ऑप्शन है तो वहां पर आप उसको सही करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होती है आपकी हाफ राउंड आपका उसका क्रॉस सेक्शन आपका बनता है तो कौन से हो जाएगा बच्चों सी जो है राइट आंसर आ रहा है क्या आपका रास प्रकट फाइल जो है हम यूज करते हैं कहां पर आपका जब हम वुड वर्किंग पे करनी हो इसके अलावा बच्चों वी ब्लॉक वी ब्लॉक इज यूज फॉर वी ब्लॉक का काम क्या होता है यूज करते हैं वी ब्लॉक राउंड बार्स को राउंड जॉब को सपोर्टिंग डिवाइस के लिए जब हम मार्किंग करनी हो तो उसके लिए अगर हमें राउंड बार पर मार्किंग करनी हो तो उसको सपोर्ट देने के लिए बच्चों जो चीज हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं वी ब्लॉक यूज करते हैं

जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा बच्चों जल्दी से बताइए बच्चों जल्दी से

हो गया तो बच्चों इसके लिए नहीं किया जाता है इनमें से कोई भी नहीं नन अब दब नन ऑफ राइट आंसर होगा क्या होगा नन ऑफ क्लियर हो गया आगे हम बढ़े स्क्राइबिंग ब्लॉक क्या बच्चों स्क्राइबिंग ब्लॉक किसके लिए यूज किया, इस किया जाता है बच्चों जल्दी से बताइए स्क्राइबिंग ब्लॉक किसके लिए यूज किया जाता है जल्दी से बताए बच्चों सी 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 बच्चों स्क्राइबिंग ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इसको सरफेस गेज भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको सरफेस गेज भी कहते हैं सरफेस गेज भी कहते हैं तो स्क्राइबिंग ब्लॉक कहां पर ही होता है तो जल्दी से राइट आंसर बताइए जल्दी से उंड बॉर बच्चों होल्ड राउंड बॉर उल्टा कर दिया ना तो वी ब्लॉक का क्या काम है फिर अगर हम यहां पर काम करेंगे तो वी ब्लॉक का क्या काम है क्या काम है बच्चों ये होगा का राउंड बार का अगर मैं बोलू बच्चों राउंड बार का अगर मैं बोलूं, बच्चों, round bar का, अगर मैं बोलूं राउंड बार का अगर मैं बोलूं बच्चों कि मेरे को क्या निकालना है सेंटर निकालना है तो मैं क्या यूज करता हूँ क्या यूज करता हूँ बच्चों मैं स्क्राबिंग ब्लॉक या फिर सरफेस गेज यूज करता हूं क्लियर हो गया सर सोलह क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन द कटिंग एज ऑफ कोल्ड चीजल इज अबाउट कोल्ड सीजल का जो आगे बच्चों इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड एंगल कितना होता है कितना एंगल होता है बच्चों कितना होता है जल्दी से बताइए कितना होता है, कितना बाकी लोग बच्चों जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए जल्द बिल्कुल सही है बच्चों ये तो आपका आंसर जो है वो गलत होना ही नहीं चाहिए अब आ गया बच्चों सेम वही चीज है यहाँ पूछ दिया हॉट चीजल के लिए हॉट चीजल के लिए सेम यही चीज है

कला आपका राइट आंसर आगे हम बढ़े द फुलर ये बच्चों फोर्जिंग के क्वेश्चन आ गए क्या आगे आगे आ गए आपके ये फोर्जिंग के क्वेश्चन आ गए हैं किसके आगे बच्चों फोर्जिंग के क्लोजर आ गए फुलर क्या यूज करता है बच्चा फ्लोर कैसे होता है फुलर कुछ इस तरीके का आपका टूल होता है कुल इस तरीके का आपका टूल होता है ठीक है कुछ इस तरीके का आपका टूल होता है इस तरीके का टूल होता है ठीक एक नीचे हो, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है सेम इसके बीच और इस 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 किसी भी, किसी भी तो नैक, नीचे से यहां से जो है पतला हो जाएगा जितने जितने पोर्सन पे इस पे मारेगा जब हम इसको रखेंगे इसके ऊपर से हम हैमरिंग करेंगे तो इतना इतना पोर्सन क्या हो जाएगा इसकी नेकिंग डाउन हो जाएगा

अब सेटिंग में हम क्या करते हैं बच्चों जल्दी से बताइए अब सेटिंग में हम क्या करते हैं अब सेटिंग में क्या करते हैं हम लेंथ बढ़ाते हैं या फिर डायमीटर बढ़ाते हैं लेंथ बढ़ाते हैं या फिर डायमीटर इसमें बढ़ता है बी रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ बार और बच्चों कोई और बच्चों क्रॉस सेक्शन बार का क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं क्या यह सही है अपसेटिंग अपसेट करना अपसेटिंग बच्चों, जल्दी से बताइए जल्दी से बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से बताइए जल्दी से जल्दी से बच्चों जल्दी से जल्दी से, से बच्चों आ आगे एक मिनट ठीक आ गया हाँ बच्चों बताइए लव सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल सी सी कैसे हो जाएगा बच्चों सी कैसे हो जाएगा बच्चों इसमें क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं हम लेंथ क्या करते हैं लेंथ क्या करते हैं बच्चों डिक्रीज करते हैं क्या करते हैं डिक्रीज होती है इसमें है ठीक और क्रॉस सेक्शनल क्या होता है क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चों आपका इंक्रीज होता है किसमें आपका इसमें बच्चों किस में? आपका अपसेटिंग में क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपका इंक्रीज होगा लेंथ क्या होगी डिक्रीज तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए जो है आपका राइट right आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट right आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया आगे हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं ड्रॉइंग डाउन इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग में क्या करते हैं बच्चों हम ड्रॉइंग में क्या करते हैं हम लेंथ इंक्रीज होती है लेंथ क्या होती है बच्चों आपकी इंक्रीज होती है लेंथ इंक्रीज होगी और क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चों आपका क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपका रिड्यूस होता है क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपका घटता है बच्चों क्या होगा आपका रिड्यूस होता है रिड्यूस होता है क्या होता है रिड्यूस हो जाएगा तो कौन सा आंसर right राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ए ए इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार जल्दी से बताइए बच्चों जल्दी से जल्दी से राइट आंसर दिए जल्दी, जल्दी से बी 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 बी, 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 बी रिड्यूजिंग द क्रॉस सेक्शन बच्चों मैंने लिखा भी है मैं लिखा भी है उसके बाद भी आप सही आंसर नहीं दे रहे हैं रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन बचो क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन बिल्कुल राइट right आंसर है बच्चों बिल्कुल राइट आंसर क्लियर हो गया बिल्कुल राइट right आंसर है आगे हम बढ़ते हैं आगे बच्चों एक आधे वेल्डिंग के क्वेश्चन है थर्मिट थर्मिट फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन इलेक्ट्रिक कनेक्शन की अगर हमें थर्मिट वेल्डिंग करनी है इलेक्ट्रिक कनेक्शन पर हमें अगर थर्मिट वेल्डिंग करनी है तो हम इनमें से क्या यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट खासकर वेल्डर ट्रेड के लिए थर्मिट फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक कनेक्शन कनेक्शन के लिए के लिए थर्मिट इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए थर्मिट कौन सा इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए कौन सा कौन सा इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए कौन सा थर्मिट प्रयोग करते हैं बच्चों जल्दी से बताइए सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चों कन्फ्यूज मत हो कन्फ्यूज मत हो यहां पर फोकस कीजिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहां पर रेल नहीं है यहां पर रेल नहीं है डी 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 कोई भी बच्चों राइट आंसर नहीं दे रहा है तो चीज है अगर रेल पूछा जाए अगर रेल पूछा जाए वेल्डिंग वेल्डिंग रेल वेल्डिंग रेल और एक बच्चों वेल्डिंग एक है वेल्डिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन इलेक्ट्रिक कनेक्शन दोनों के लिए जो है अलग अलग आंसर होंगे अगर वेल्डिंग रेल है बच्चों तो हम क्या यूज करते हैं क्या यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड और क्या यूज करते हैं बच्चों हम हम करते हैं आयरन ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड प्लस एलुमिनियम प्लस एलुमिनियम यूज करते हैं रेशियो क्या रहता है बच्चों रेशियो क्या होता है वन थ्री क्या होता है वन थ्री या थ्री वन मैं मैं अगर पहले बोरा थ्री इज टू वन क्लियर हो गया और वेल्डिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन अगर मैं कर रहा हूं बच्चों तो मैं यहां पर यूज क्या करता हूं यहां पर करता हूं बच्चों मैं कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड प्लस प्लस एल्यूमिनियम कॉपर ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए जो है आपका वो राइट right आंसर होगा क्या होगा आपका राइट right आंसर कौन सा होगा आपका राइट right आंसर थर्मिट फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए यूज होता है कौन सा कॉपर ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम क्लियर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है स्लैग के रूप में अलग हो जाएगा कॉपर जो है आपका वायर में वेल्ड कर देगा यहां पर अगर रेल की वेल्डिंग करनी है तो क्या यूज करेंगे आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आय आए, सॉरी आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम क्लियर हो गया बच्चों आगे बढ़े बच्चों आगे पूछते हैं थर्माइट इग्निशन पाउडर थर्माइट थर्माइट थर्मिट क्या, क्या होता है बच्चों थर्मिट क्या होता है मिक्सचर होता है किसका आयरन ऑक्साइड का और आपका एल्यूमिनियम का जो पाउडर होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम थर्मिट अब इस थर्मिट को थर्मिट को इग्नाइट करने के लिए क्या बच्चों इग्नाइट करने के लिए इग्नाइट करने के लिए मतलब जलाने के लिए जलाने के लिए या फिर गलाने के लिए जलाने या गलाने के लिए गलाने के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों सामान्यतः क्या यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है सबसे ज्यादा सामान्यतः जो यूज किया जाता है बेरियम परऑक्साइड सोडियम परऑक्साइड जिंक परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है बच्चों क्या होता है जैसे हम कास्टिंग करते हैं उसी तरीके से हम करते हैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को क्या करते हैं बच्चों इसको जलाते हैं और उस जलाने के लिए उसमें हम क्या डाल देते हैं हम डाल देते हैं कुछ एक पाउडर डालते हैं जिसको हम बोलते हैं बेरियम परोक्साइड क्या बोलते हैं बच्चों बेरियम परोक्साइड क्या बच्चों बेरियम परोक्साइड क्या यूज करते हैं हम

कोरोजन से रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम किसमें आती है स्टेनलेस स्टील में आती है किसमें आती है बच्चों स्टेनलेस स्टील में आती है ये कब आती है जब बच्चों स्टेनलेस स्टील में हम वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान जहां पर हमने वेल्ड किया है उसके आसपास जो होता है बच्चों आसपास का जो पोर्शन होता है वहां पर क्या हो जाता है रस्ट हो जाता है क्योंकि बच्चों स्टील में क्या होता है क्रोमियम होता है लेकिन हीट ट्रीटमेंट वेल्ड की हीट के कारण वहां पर हीट ट्रीटमेंट होने के कारण बच्चों वहां पर क्या होता है जो क्रोमियम हो जाता है वो एक लेयर में आता है मतलब फैला हुआ नहीं रहता है चारों वो क्या थे? पूरे के पूरे आपका आ, मेटल में हीट ट्रीटमेंट के कारण क्या हो गया बच्चों वो एक जगह एक बाउंड्री टाइप की उसने बना दी वहां पर जो है क्रोमियम अपने ने क्रोमियम जो है आके इकट्ठा हो गया और आसपास अगर क्रोमियम से जो वहां पर से हट जाएगा बच्चों तो उस वाली जो सरफेस होगी वाला जो पोर्सन होगा वो क्या हो जाएगा आपका हो उस पर जंग लगेगा क्लियर हो गया तो बच्चों वेल्ड डिके जो फिनोमिना होता है वेल्ड डिके जो होता है वो किससे रिलेटेड है कोरोजन से रिलेटेड होता है और किसमें होता है आपका स्टेनलेस स्टील में स्टेनलेस स्टील में होता है ठीक आपको बहुत उससे मैं अगर बताऊं क्या कहते हैं आपका

नेक्स्ट क्वेश्चन पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ पिंच इफेक्ट आपने वेल्डिंग में अगर देखा होगा बच्चों वेल्डिंग में आपने सुना होगा पिंच इफेक्ट पिंच इफेक्ट आपने वेल्डिंग में सुना होगा वेल्डर वालों ने तो खासकर सुना होगा बच्चों वेल्डिंग क्या क्या होता है पिंच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण बच्चों जो आपकी आर्क होती है अपने एक्चुअल पाथ से बच्चों क्या हो जाती है आपकी वो डिस्टर्ब हो जाती हो गया किस कारण किस कारण होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण किस कारण होता है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स के कारण इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों इसको बोलते हैं हम पिंच इफेक्ट क्या बोलते हैं हम पिंच इफेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क में आपका जनरली आपको देखने को मिलेगा क्यों होता है बच्चों आपका ये इलेक्ट्रो फोर्स के कारण होता है और ज्यादातर बच्चों आपका डीसी वेल्डिंग में ये फिनोमिन हमको देखने को मिलता है आर्क ब्लो इज़ मोर कॉमन इन आर्क आर्क ब्लो ब्लो बच्चों कहां पर ज्यादा होता है अपने पास से ये आर्क है बच्चों आर्क एक आर्क जो है अपने पास से डिस्टर्ब हो गया इधर उधर जा रही आर्क ब्लो कर रही है आर्क ब्लो कर रही है किसके कारण होता है सर डीआरडीओ में हाइट का इशू नहीं होगा ना बच्चों पहले आप पे पेपर तो दीजिए हाइट का इशू उसने पूछा होगा आपका मिनिमम जो हाइट अगर उसने पूछी होगी फिजिकल उसने दे रखा होगा आपका अगर कितनी आपकी मिनिमम हाइट होगी हो गया अभी आप पेपर तो दीजिए बच्चों हाइट का इशू तो बाद की बात है डीसी वेल्डिंग आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन किसमें होता बच्चों आपका आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन किसमें होता है बिल्कुल राइट आंसर है है बच्चों आर्क जो होता जनरली किसमें होता है आपका डीसी वेल्डिंग में होता है डीसी वेल्डिंग प्लस बच्चों प्लस डीसी वेल्डिंग में बच्चों आपका पता है हमें कि पोलरिटी इफेक्ट होता है कब जब स्ट्रेट पोलरिटी होती है स्ट्रेट पोलरिटी आपका होती है उस दौरान जो होता है सबसे ज्यादा जो है आर्क ब्लो जो होता है हमको देखने को मिल सकता है ठीक तो डीसी वेल्डिंग विद आर्क ब्लो जो है uh, वहां पर जो है बच्चों ज्यादा आपका होता है क्लियर हो गया आगे बच्चों हम बढ़े एक लास्ट क्वेश्चन था ये ठीक बच्चों हा तो बच्चों एक दिन बच्चों वेल्डिंग की को, सर फिटर की भी क्वेश्चन करवाए बिल्कुल बच्चों फिटर के क्वेश्चन करवाता हूं बिल्कुल कल से परसों अब नेक्स्ट बच्चों अब हम फिटर के क्वेश्चन ही करने वाले हैं फिटर के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं सर डीआरडीओ में कितने मार्क्स का एग्जाम होता है बच्चों डीआरडीओ में 120 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम ले रहा है डीआरडीओ सेप्टम 120 मार्क्स मार्क्स का जिसमें से से बच्चों 80 की जो है आपकी ट्रेड ट्रेड थ्योरी आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो और 40 मार्क्स जो है बच्चों को नॉन टेक वाला पोर्सन पूछता है जिसमें आपका क्वांट प्लस रीजनिंग प्लस बच्चों आपका जनरल अवेयरनेस एंड आपका जनरल uh, अवेयरनेस के साथ साथ बच्चों आपका uh, क्या कहते हैं आपका इंग्लिश भी इसमें पूछा पूछा जाएगा तो बच्चों आप जो है इसके लिए सर डीआरडीओ में हाइट का इशू तो नहीं होगा अमित अमित डीआरडीओ में हाइट का इशू बच्चों हेलो मेरी आवाज आ रही बच्चों हाइट का इशू तो बच्चों हाइट का इशू अभी आप परेशान क्यों हो रहे हैं बच्चों इसमें ठीक वो तो मेडिकल मेडिकल के टाइम की बात है आपका सर अब ज्यादा फोकस वेल्डर पर दो सर बच्चों मैंने यूट्यूब में आपको मैक्सिमम जो पार्ट अभी कराया है बच्चों वेल्डर का ही कराया है अब जो बच्चों में ज्यादा

शुरू हो जाएंगे तो आप तैयार रहे बच्चों एडमिट कार्ड कभी भी आए एक दो दिन में तीन दिन में लेकिन छह तारीख से जो चो आपके एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं सर टेस्ट सीरीज का टाइम करिए घंटा दिया है ज्यादा है क्या टाइम मोहित तो परमार कह सर टेस्ट सीरीज का टाइम कम करिए डेढ़ घंटा बच्चों का ही आपका पेपर होना है थैंक यू थैंक यू सो मच आपका भी ठीक मैंने बच्चों जितना कोशिश करी है क्योंकि एक्चुअली हम भी बच्चों इंजीनियरिंग आईटीआई का हमने भी आईटीआई का अभी अभी शुरू किया है बच्चों बहुत सारी चीजें जो हमें देखनी पड़ती है बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है आपके लेवल को लेकर कंटेंट जो है हम लगातार तैयार करते हैं कर रहे हैं आपका जो है अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है आपके लिए तैयार कर सके ये हमारी स्टार्टिंग थी बच्चों अभी दो तीन महीने पहले बच्चों तीन महीने पहले ही हमने जो है आई टी पे फोकस करना शुरू किया आई आई जो है सोचना शुरू करा आई टी पे काम करना शुरू किया है ठीक आगे बच्चों आगे हम आई टी पे कंटिन्यू हम एक अच्छा काम करने की सोच रहे हैं जिसमें आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार हो फॉर्मूला बुक तैयार हो बच्चों टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस जो जो है 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 आपके लिए तैयार हो अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचे बच्चों 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 और और इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ठीक? क्योंकि हमारा हमारा मेक इट का वो आपको पता है, आ, काफी काफी टाइम टाइम से हमारा चल रहा है, ठीक? आ, काफी भी नहीं कह सकता हूं मैं अभी आ, 2018 के बाद के जो है हमसे नया है हमारा ठीक तो आईटीआई में थोड़ा सा हमें अभी बहुत हम काम कर रहे हैं बहुत शुभकामनाएं बच्चों सभी लोग बच्चों बिल्कुल तैयारी में जुड़ जाए ये जो दस पंद्रह दिन जो है बच्चों आपको मिले हुए दस पंद्रह दिन ये बच्चों आप एक कर दीजिए बिल्कुल एक कर दीजिए और एक दिन बच्चों में थैंक यू आप थैंक यू आप आप सभी का भी बच्चों थैंक यू आप सभी का भी थैंक यू you, ठीक है यूट्यूब में बच्चों मैंने बहुत आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने कोशिश करी है की आपकी एमसीक्यू चलाएं बहुत एमसीक्यू बच्चों मैंने आपको चलाई बहुत जो है जितना हो सके बच्चों क्योंकि और क्लासेस भी देनी होती है बच्चों ठीक आ, फिटर का भी हमारा जो है हमारा एक कोर्स जो है चल रहा है वहाँ पर भी बच्चों वहां पर भी आपका थोड़ा सा लेना पड़ता है तो थोड़ा बहुत जो है बच्चों कोशिश की जाती है कि आप लोगों को जो है एक अच्छे तरीके से बच्चों लेंथ कितना का है सर टेस्ट 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 बच्चों सीरीज सीरीज फिटर फिटर की 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 हो टेस्ट या फिर वेल्डर दोनों जो है एक सौ पचास रुपए की है जिसमें बच्चों डेढ़ घंटे का आपका टेस्ट होगा आठ इसमें टेस्ट होंगे बच्चों तो आप जो है प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कहीं से भी है टेस्ट सीरीज जरूर लें बच्चों और आप जरूर प्रैक्टिस जरूर करें ओके बच्चों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी